इसे ग्राम कर अच्छा अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं अच्छा स्टूडेंट्स अभी तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो थोड़ा वेट कर लेते हैं अभी स्टूडेंट्स साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं चले स्टार्ट करते हैं अभी मोस्टली स्टूडेंट्स अभी एडमिट हो रहे हैं तो हम कहाँ पे बात कर रहे थे कि एम वर्ड करने के बाद हम यहाँ से क्या क्या चीजें जो है वो सीख सकती हैं और क्या चीजें जो है वो हमें आउटपुट uh, हमें क्या मिल सकती है वो सारे स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं चले ये भी देखते जाते हैं साथ साथ हाँ जी आप कैलेंडर बना सकते हो सर्टिफिकेट जनरेट से सक, कर सकते हो स्कूल में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप सर्टिफिकेट बना सकते हो कवर पेज अगर आप कोई नोट्स बना रहे हो या आप बुक राइट कर रहे हो तो आप कवर पेज उनके बना सकते हो अभी मैं आपको इनके सैंपल दिखाऊंगी कि हमने कैसे आपको बनाना सिखाना है और कौन कौन से टेम्पलेट आप इजीली बना सकते हो इसके अलावा आई कार्ड बना सकते हैं इनवाइसिज एंड रिसिप्ट बना सकते हैं मतलब अगर आपने फी पे की है तो वो जो रिसिप्ट होती है आप खुद कैसे डिजाइन कर सकते हैं और फिर इन्हीं स्किल्स को आप किस तरह से सेल कर सकते हैं सोशल मीडिया में मतलब फेसबुक पे आप इसको कैसे सेल कर सकते हैं और इसके अलावा आप फ्री में अपना अकाउंट बना के इसको कैसे सेल कर सकते हैं इसके अलावा हमारे पास है लेटर हेड आप लेटर हेड कैसे बना सकते हो लेटर हेड क्या होते हैं कि जब हम आपको पता है हर हॉस्पिटल में उनका एक अलग से एक कॉपी रजिस्टर सा बना होता है छोटा सा जिसपे वो मेडिसिन लिख के देते हैं तो हर हॉस्पिटल का अलग होता है और हर इदारे का अलग होता है तो ये लेटर हेड भी आप बना के दे सकते हो इसके अलावा प्रपोजल है रिपोर्ट है रिज्यूमे और सीवी अब ये रिज्यूमे और सीवी में क्या डिफरेंस है ये यूज किस लिए करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या है इनमें डिफरेंस ये है कि जो सीवी होती है आप एक से ज्यादा पेजेस पे आपने जो डिटेल है वो लिख सकते हो और जो रिज्यूमे होती है आपने एक ही पेज पे उसकी डिटेल देनी होती है और सीवी जो है वो क्यों यूज करते हैं जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन डिटेल आपने सीवी में लिखनी होती है इसको कैसे बनाएंगे प्रोफेशनल वे में इसको कैसे डिजाइन करेंगे और आप आउट ऑफ कंट्री जॉब के लिए इस सीवी को कैसे डिजाइन करेंगे ये चीजें हम सिखाएंगे तो अब मैं आपको इस, इनके जो टेम्पलेट्स हैं हम किस तरह से इनको बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूं चले सबसे पहले हम सीवी देख लेते हैं हाँ जी तो इस तरह की प्रोफेशनल सीवी जो है आप डिजाइन कर सकते हैं एमएस वर्ड में इजीली आप इसको बना सकते हैं और इसके अलावा आपको मतलब मल्टी टाइप के जो टेम्पलेट होंगे सीवी के वो सिखाए जाएंगे ताकि जिस टाइप का कस्टमर हो आप उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर सकें और आप इसे अपने खुद के लिए भी इसको यूज कर सकें नेक्स्ट हम एक और इसके टेम्पलेट देख लेते हैं जैसे कि हमारे पास है ये क्लीन सीवी टेम्पलेट सिंपल सीवी भी बना सकती हो सिंपल पहले मैं आपको सिंपल बनाना सिखाऊंगी उसके बाद ये प्रोफेशनल और इनकी डिजाइनिंग कैसे करेंगे ये आपको सिखाऊंगी ठीक है एक ये हमारे पास टेम्पलेट है देखें एक से ज्यादा पे आ रहा है तो ये हो गए टेम्पलेट सीवी के और भी बहुत सारे हैं वो जब आप कोर्स करेंगे तो साथ साथ आपको असाइनमेंट दी जाएंगी तो आप साथ साथ सीखेंगे भी और ये बनाना भी सीख जाएंगे अच्छा काम कर रहा है माउस ये क्या ओपन किया हुआ है नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसके लेटर हेड किस तरह से होते हैं लेटर हेड के टेम्पलेट्स हैं कुछ हाँ जी ये लेटर हेड के टेम्पलेट्स हैं तो यहाँ पे आप अपना जो है अगर किसी इंस्टीट्यूट का बना रहे हैं तो अपने इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस डेट और इसी तरह से आप हॉस्पिटल के भी बना सकते हैं मतलब कि अगर कोई डॉक्टर है उसका बना सकते हैं अगर कोई लॉयर है या जो भी है जिस तरह का आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं एक और टेम्पलेट देख लेते हैं पर्सनल लेटर हेड कैसे बनाते हैं इस तरह के बहुत सारे टेम्पलेट जो है वो हम आपको सिखाएंगे तो ये तो चंद एक टेम्पलेट आपको बताने के लिए कि हमने आपको क्या क्या इस कोर्स में कवर करवाना है जैसे ये किसी डॉक्टर का है अगर हम ये ऑनलाइन स्किल भी सेल करना चाहते हैं तो जो उनकी रिक्वायरमेंट होंगी उसके हिसाब से हम जो डिजाइन है वो डिजाइन कर सकते हैं अच्छा इसके अलावा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका क्या यूज हो सकता है एमएस वर्ड का स्पीड इशू आ रहा है इसका माउस चले नेक्स्ट हम देखते हैं रिजल्ट कार्ड आप बना सकते हो रिजल्ट कार्ड जो है वो आप अगर स्कूल लेवल में जॉब कर रहे हैं तो स्कूल लेवल के बना सकते हो कॉलेज में जॉब कर रहे हैं तो कॉलेज लेवल में अगर यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हैं तो जिस तरह का आप रिजल्ट कार्ड बनाना चाहें आप इसको यूज करते हुए एमएस वर्ड को बना सकते हैं इसके कुछ टेम्पलेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं तो तो जैसे ये टेम्पलेट है आप स्कूल के लिए रिजल्ट कार्ड बना रहे हैं तो इस तरह से आप स्कूल के लिए रिजल्ट कार्ड बना सकते हो ठीक है ये सेम सैम्पल्स हैं आपके पास तो डिफरेंट डिजाइन जो है आप इसको डिजाइन कर सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं अच्छा अगर हमने स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड बनाना हो तो ये फॉर्मेट देख लें आप लोग अगर स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड बनाना हो तो इस तरह से आप जो है वो डिजाइन कर सकते हो नेक्स्ट चलते हैं अच्छा नेक्स्ट हम मजीद देख लेते हैं एमएस वर्ड हाँ जी अगर आपने कोई थीसिस वगैरह करना है और वहां पे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरह से बने कि स्टार्ट में जो टेबल ऑफ कंटेंट हमने डाला हुआ है उनके पेजेस जो पेज नंबर है वो आगे हमने लिखे होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में तो हम पेज नंबर पे क्लिक करें और उस पेज पे पहुंच जाए तो ये चीज़ा चीजें जो है वो आपको एम वर्ड में सिखाई जाए कि जैसे हमारे पास ये टेबल ऑफ कॉन्टेंट है ये वाला ये टेबल ऑफ कंटेंट है तो ये कैसे क्रिएट करना है किस तरह से हमने ये सारे जो टॉपिक इसमें ऐड करने हैं ये सारे आपको सिखाए जाएंगे पहुंच जाएंगे तो ये सारी जो चीजें हैं आपको इन डिटेल सिखाई जाएंगी टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाना है थीसीस कैसे आपने इसको बनाना है ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी नेक्स्ट चलते हैं अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो किस लिए यूज किया जाता है मोस्टली स्टूडेंट को पता है रिजल्ट कार्ड रिजल्ट शीट बनाने के लिए यूज किया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो बेसिकली इसमें हमारे पास होते हैं फार्मूलास ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो इसमें हम क्या करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेड uh, शीट्स बनाते हैं और फिर उन स्प्रेड शीट का आपस में लिंक कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे स्प्रेड शीट जो होती है ना हमारे पास तकरीबन रोस एंड कॉलम का कम्बिनेशन होता है और वहां पे हम अपना जो डाटा है वो एंटर करते हैं और उनको जब हम कंबाइन करते हैं बहुत सारी वेब सप्रेड शीट्स को तो वो एक वर्क बुक बन जाती है तो उनकी लिंकिंग कैसे होगी वो भी मैं आपको समझाऊंगी दिखाऊंगी समझाऊंगी तो आप इजीली जो है वो इसको कर सकते हो फिर डाटा एंट्री कैसे करनी है इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है टेबल कैसे डिजाइन करेंगे और इसके फंक्शन लेने हैं और जो मेन इसमें चीज है वो है है को आपने कैसे यहां पे कैसे पे यूज करना परसेंटेज का फार्मूला होगा प्लस माइनस सॉरी प्लस का होगा मीन कि हमने सारे रिकॉर्ड को ऐड कैसे करना है इसके अलावा इसमें डिफरेंट फार्मूलाज होंगे लाइक uh, ग्रेड like अगर हमने निकालना है स्टूडेंट्स का और इसके अलावा वर्कशीट ग्राफ्स तो ये सारी चीजें जो है वो आपको सिखाई जाएंगी नेक्स्ट हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ हमारे पास टेम्पलेट्स हैं कि आप इसको यूज करके कौन कौन सी जो है वो चीज़ें जो है वो डिजाइन कर सकते हैं आप इसको घर में होम बजट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कहीं स्कूल में एडमन है वहां पर इसको यूज किया जा सकता है अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं वहां पे इसको यूज किया जा सकता है तो आप इसको यूज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं इसके कुछ टेम्पलेट्स हैं हमारे पास हाँ जी यहां के ना तो ये देख लेते हैं हम सबसे पहले देख लेते हैं स्कूल रिकॉर्ड तो इस तरह से कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप जो है ये चीजें क्रिएट कर सकते हो स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो और ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो आप स्टूडेंट का इस तरह से कर सकते हो ये कुछ टेम्पलेट्स हैं ये जैसे स्टूडेंट शीट मार्क शीट जो है वो जनरेट कर सकते हो अब ये जनरेट करने के लिए आपको लग रहा होगा कि हमारा काफी सारा टाइम लगा है। लेकिन हम इसमें जो फार्मूलाज यूज करेंगे तो उन फार्मूलाज की मदद से हम क्या करेंगे हमने अगर एक चीज अगर हमने एक स्टूडेंट को यहाँ पे करना है ना कैलकुलेट अगर हमने ये एक कॉलम का कैलकुलेट uh, करना है ना उतना टाइम ही हमें ये एक को कैलकुलेट करने में लगेगा उतना ही टाइम हमें जो है पूरा जो है उसको जितने भी चाहे इसमें कोई हजार स्टूडेंट हैं उसको कैलकुलेट करने में लगेगा तो किसकी वजह से लगेगा क्योंकि हमने यहाँ पे फार्मूलाज सीखे होंगे उन फार्मूलाज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो जो हम काम यहाँ पे करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और इसकी देख लेते हैं एम एस एक्सल की जैसे कि टीचर अटेंडेंस है पूरे साल की टीचर अटेंडेंस रजिस्टर अगर ऑनलाइन हम बनाना चाहते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं इस तरह से ये सारे जितने भी मंथ हैं हर मंथ की जो अटेंडेंस है यहाँ पे वो रिकॉर्ड बना बना सकते हैं हाँ जी पूरे साल का अगर बनाना चाहते हैं अच्छा इसके अलावा और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं इसको रहने दे ये देख लेते हैं जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही है अच्छा इसके अलावा हम देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हम यूज करके किस तरह से अच्छा आपने फॉर्म देखे होंगे इंटरनेट पे जो हम फॉर्म फिल करते हैं तो उस तरह के फॉर्म आप इसको यूज करके डिजाइन कर सकते हो और डेटा बेस जो है वो आप इसमें बना सकते हो डेटाबेस बेस में क्या होता है कि आप कोई यहाँ पे आप रिकॉर्ड जो है वो सेव कर सकते हो इसके अलावा जिस तरह से ये एक फॉर्म है डैशबोर्ड बना सकते हो ठीक है इस तरह का मेन मेन्यू जो है आप इसमें डिजाइन कर सकते हो हाँ जी तो ये जिस तरह से ये सारी चीजें बनी हुई हैं ये सारी चीजें हम आपको इस सेशन में सिखाएंगे इस पूरे कोर्स में तीन मंथ का कोर्स है और इसके साथ साथ और भी हम मंथ में आपको दो या एक या दो सेशन फ्री देंगे जो आप इन स्किल्स को ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन एक तरह से मार्केटिंग कर सकते हो अपनी इन स्किल्स की और वहां से क्लाइंट सर्च कर सकते हो अच्छा इसके साथ ठीक है एम एस एक्सेस एक ये टेम्पलेट देख लें बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये ये अगर आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं और अपना सिस्टम जो है इसको खुद ही आप मैनेज कर रहे हो अपना बिजनेस सिस्टम को तो अपने प्रोडक्ट का जो डेटाबेस है इन्वेंट्री डेटाबेस वो आप खुद बना सकते हो इसमें एमएस एक्सेस में कि, आपके स्टॉक में कितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं कितनी आपने सेल कर ली हैं और कितनी जो है आपको प्रॉफिट आ रहा है ये सारा जो है आप इसमें सक्सेस में खुद से आप ये चीजें सीखोगे अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं अच्छा इसके अलावा हम जो है ना वो आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग बेसिक ग्राफिक्स डिजाइनिंग जो है वो सिखाएंगे तो उसके लिए हम एक टूल यूज करेंगे नेक्स्ट है पावर पॉइंट सॉरी पावर पॉइंट का आप सबको पता होगा पावर पॉइंट किया जाता है प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए अब ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ ये पावर पॉइंट में ही बनाई हुई है इस तरह से आप डिफरेंट जो है पावर पॉइंट जो है वो आप प्रेजेंटेशन uh, बना सकते हैं इसमें स्लाइड कैसे ऐड करेंगे स्लाइड को हम डिजाइन कैसे करेंगे एनिमेशन कैसे करेंगे और ये पावर जो है ना ये सीखना भी एक स्किल है इस मतलब हर जो भी जैसे एमएस वर्ड पे आपको काम आता है ये भी आपके लिए एक अलग स्किल होगी अगर आपको एक्सेल पे कोई काम आ रहा है स्प्रेड शीट बनानी आती है रिजल्ट कार्ड बनाने आते हैं ये भी आपके पास एक स्किल है तो आप इन स्किल्स को फिजिकली अप्लाई भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप इसको सेल कर सकते हैं अच्छा प्रेजेंटेशन जो है आपने स्लाइड शो uh, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमने क्या क्या चीजें सीखनी है स्लाइड किस तरह से हम इसमें कर सकते हैं प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं प्रेजेंटेशन की हम इसमें प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे और इसके अलावा आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी प्रेजेंटेशन जो है वो बना बना के तो आपके साथ साथ ये प्रैक्टिस भी होती जाएगी और माइक्रोसॉफ्ट की जो पावर uh, पॉइंट है वो तो आपकी स्लाइड भी बनती जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं तो नेक्स्ट चलते हैं हाँ जी नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम क्या क्या करेंगे ये चीज़ें भी बात हम इसके बारे में बात कर चुके हैं हम डाटा बेस बनाएंगे टेबल्स बनाएंगे और डाटा एंट्री कैसे करते हैं और आप इसको यूज करके डाटा एंट्री जॉब कैसे गेट कर सकते हैं डाटा एंट्री जॉब्स में भी इसकी जरूरत होती है तो इसलिए ये सारी चीजें इसमें देखेंगे क्यूरीज कैसे लगाएंगे फॉर्म्स एंड रिपोर्ट कैसे बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेल सिखाई जाएंगी और इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइपिंग टाइपिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसमें आपने अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है इससे पहले आपको सबसे पहले आपको जो कीबोर्ड है उसकी सारी कीज का क्या होम रो कौन सी है और ये अपर रो कौन सी है कौन सी फिंगर पे कौन सी रो जो है की आ रही है ये सारी पहले आपको याद करनी पड़ेगी और ये सारी आपको डिटेल से सिखाई जाएंगी और फिर आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है और अपनी टाइपिंग कैसे फास्ट करनी है उसके लिए हम आपको एक टूल प्रोवाइड करेंगे उसको यूज करके आप अपनी टाइपिंग स्पीड जो है वो आसानी से बढ़ा सकते हैं टाइपिंग स्पीड के हवाले से आपको सर रहमान सर रहमान साहब जो हैं वो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कुछ प्रैक्टिकली चीजें दिखा के करवा के तो आप जो हैं वो कर सकते हैं अभी आप एडमिट करेंगे हाँ जी अब सर रहमान आ रहे हैं तो वो आपको टाइपिंग के हवाले से कुछ ट्रिक्स टिप्स और क्यों जरूरी है कैसे करनी है तो वो आपको सिखाएंगे स्टूडेंट्स आई एम ऑडिबल मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को मुझे रिस्पॉन्स कीजिएगा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को ये कुछ चैट्स हमारे पास जरा उन्हें भी देख लेते हैं हाँ जी आप मुझे ऑडियो में भी रिप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो मैं आ, कुछ हम बातें करेंगे टाइपिंग के बारे में तो मैं यहाँ पे अपनी स्लाइड जो है वो ओपन कर लेता हूँ थोड़ी सी बातें हम करेंगे तो टाइपिंग जो है वो मेरा ख्याल है कि आप सब भी जानते हैं उसकी अहमियत के बारे में तो कोई ऐसी फील्ड नहीं है हमारे पास कंप्यूटर साइंस में जहाँ पे हम टाइपिंग का जो है हमारे पास इस्तेमाल जो है वो भरपूर नहीं होता चाहे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कहीं पे डाटा एंट्री की जॉब कर रहे हैं कोई भी क्लैरिकल जॉब है आपकी तो हर जगह पे जो टाइपिंग है वो बुनियादी किरदार जो है वो अदा करती है ठीक है तो अब यहाँ पे आ, सबसे पहले जो बच्चे नए हैं जिनका कोई नाव हाव नहीं है मैं जरा उनके साथ बातचीत करूंगा ये सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई कीबोर्ड जो है वो हमारे पास क्या होता है तो कीबोर्ड जिसपे ये हमारी तमाम ये बटन लगे होते हैं ये बटन जो है इन्हें हम क्या बोलते हैं इन्हें हम कीज बोलते हैं ठीक है जैसे ये आपके सामने एक की जो है वो सिंपल नजर आ रहा है आप लोगों को और इसमें ये जो आपके पास है ये मुख्तलिफ रोज है ये मुख्तलिफ कीज की रोज है आपके पास ठीक है जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ काम जो है वो सर देते हैं मुख्तलिफ तरह के हमारे पास कीबोर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जैसे आमतौर पे जो कीबोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं आ, वो आपके पास मैकेनिकल कीबोर्ड होता है ठीक है इसी तरह से ये एग्रोनोमिकल एग्रोनोमिक कीबोर्ड है मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स हैं आपके पास या स्पेशल पर्पस जैसा कि गेमिंग के हवाले से जो कीबोर्ड्स आपके पास इस्तेमाल होते हैं अक्सर बैंक्स में आपने देखा होगा कि आपके पास सिप्लीट वाले जो कीबोर्ड्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं तो इस तरह के ये मुख्तलि तरह के जो कीबोर्ड्स हैं बहरहाल जो हमने इस्तेमाल करना है वो हमारे पास है जी मैकेनिकल कीबोर्ड जिसको हम डे टू डे लाइफ में हम यूज कर रहे होते हैं अब कीबोर्ड्स की जो के ऊपर जो कीज है जरा उनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं उम्मीद है कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे तो ये इस बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे ऊपर जो आपके पास है ये आपको स्केप की नजर आ रही है ठीक है और ये एफ F1 वन से एफ ट्वेल्व तक जो है इन्हें फंक्शन कीज बोला जाता है और इसी तरह से अगली रो जो है इसमें आपके पास वन टू नाइन वन टू जीरो जो है वो आपके पास न्यूमेरिक कीज जो है वो आपके पास मौजूद होती हैं फिर इसी तरह से ये जिनके इर्द गिर्द ये ब्लू वाला बॉक्स है ये आपके पास लेटर कीज हैं ठीक है तो ये इस तरह के मुख्तलिफ कीज हैं जो कि मुख्तलि के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो कंट्रोल कीज़, शिफ्ट कीज ये स्पेशल परपज कीज हैं आपके पास कैप्स लॉक है आपके पास तो ये मुख्त मकासद के लिए हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है जी तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एक हैंड रेज हुआ है तो अगर आपको क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो काइंडली जल्दी से पुट कर लें मैं फिर आपका आंसर दे के फिर आगे जाता हूँ ये अभी एक हैंड रेज हुआ था शायद ठीक है चले तो ये मुख्त ये कीज़ जो है इनके बारे में हमें पता होना चाहिए अः ये फिर नेक्स्ट अगर चलें तो ये जो रोज है इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे ऊपर भाई हमारे पास ये जो न्यूमेरिक रो है फिर जो नेक्स्ट आपके पास अहम रो है जो एक तरह से आपका घर है वो है जी ए एस डी एफ जी एच जे के एल वाली जो आपके पास एक रो है जिसको हम होम रो बोलते हैं जो, जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है टाइपिंग में ये वाली रो जो है बहुत ज्यादा अहमियत का हमल है अब इसके नीचे वाली रो को हम डाउन रो और जाहिर बात है होम रो के जो ऊपर वाली रो है उसे अपर रो जो है वो बोला जाता है ठीक है तो हमने ये तीनों जो रोज हैं ये हमारे बहुत ज्यादा इस्तेमाल आएगी तो सबसे ज्यादा जो अहमियत है हमारे पास वो किसकी रहेगी जब हम टाइपिंग सीख रहे हैं तो होम रो की ठीक है अब होम रो जो है इसके ऊपर हमारे पास दो कीज हैं एक ये एफ वाली की है और दूसरी आपके पास जे वाली की है ठीक है तो आ, ये जो है आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है और इनको अच्छी तरह से याद रखने का तरीका क्या है ये जो एफ और जे यहां पे अगर आप अपना जो कीबोर्ड है उस पर अगर टच करके देखें तो ये छोट छोटे छोटे जो उभार नजर आ रहे हैं जिन्हें हम बंप्स कहते हैं ठीक है तो ये जो हमारे बम्प्स हैं ये हमारी मदद करेंगे कीज को याद रखने की देखिए जब भी आप कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहे हैं तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि कभी भी आप कीबोर्ड की तरफ डायरेक्टली नहीं देखेंगे ठीक है तो अब जारी बात है हमें कीज किसी तरह तो याद रहनी चाहिए तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तो उसके लिए जो है फिर हमारे पास क्या है कि आपके पास ये एफ और जे इनके ऊपर ये जो आपके पास बार बनी हुई है लाइन्स बनी हुई है ये आपका काफी जो है वो आपकी हेल्प करेंगी कैसे हेल्प करेंगी ये देखें कि आपकी ये वाली जो इंडेक्स फिंगर है ये एफ के ऊपर आएगी ठीक है और जो राइट right वाली है वो आपकी जे के ऊपर आएगी ठीक है तो आपने जब भी आप अपने कीबोर्ड के ऊपर अपने हाथ रखें तो आपने कैसे रखना है कि आपकी ये वाली जो फिंगर है ये एफ के ऊपर फिर ये डी फिर एस और फिर ए e. ये ऐसे समझ लें कि छोटी उंगली जो है आपकी बाएं हाथ की ए के ऊपर आएगी फिर अगली एस के ऊपर फिर डी के ऊपर और फिर एफ के ऊपर ठीक है और इसी तरह से दूसरा जो हमारा हाथ है उसमें क्या होगा कि आपकी वाली उंगली जो है वो जे के ऊपर आएगी ठीक है वाला जो बाहर है इसके ऊपर आएगी फिर नेक्स्ट जो है के एल और आखिरी वाली जो है सेमी कॉलोन पर आएगी तो इस तरह से ये जो होम रो है इसको आपने हमेशा से याद रखना है आपको ये जुबानी याद होना चाहिए मतलब कि कौन सी आपकी फिंगर जो है कौन सी रो के ऊपर आ रही है तो अब ये आप देख सकते हैं कि हमने कीबोर्ड को दो हिस्सों में स्प्लिट किया हुआ है तो ये आपको रेड जो लाइन नजर आ रही है रेड लाइन के इस तरफ जो है वो राइट हैंड की तमाम कीज़ है और दूसरी तरफ जो है वो लेफ्ट हैंड की कीज़ है ठीक है और आपके दोनों जो अंगूठे होते हैं वो आपके स्पेस बार के ऊपर रहते हैं तो जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपने अपने हाथ के दोनों उंगलियां जो है वो इसी तरतीब के साथ रखनी है ठीक है मजीद जब हम आ, हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर आपको इस्तेमाल करवाएंगे आ, मेविस बेकन है हमारे पास या टाइपिंग ट्यूटर है तो जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये मजीद जो है वो चीजें हम देखेंगे देखें मेरा आ, जो मैंने देखा है कि वो ये होता है आ, कि हमारे पास कम अज कम हमारी जो पर, वर्ड, वर्ड, पर मिनट जो वर्ड स्पीड है कि एक मिनट के अंदर हम कितने वर्ड्स लिखते हैं वो कम अज कम हमारी फिफ्टी होनी चाहिए होनी चाहिए तो ये हम अचीव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ तो हमारा जो हमारी अप्रोच रहेगी वो ये है कि हर क्लास में आपको टाइपिंग ट्यूटर जो है उसकी क्लासेस जो है वो असाइन की जाएंगी और आप उस पर मुसलसिल प्रैक्टिस करते रहेंगे और इन जब हमारे तीन मंथ जो है वो एंड हो जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हम देखेंगे कि आप लोगों की इनशाला स्पीड जो है फोर्टी प्लस जो है वो आ चुकी होगी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं प्राइवेट जॉब्स हैं उनमें कम से कम जो है फोर्टी वर्ड्स पर मिनट जो है वो आपसे डिमांड किया जाता है तो हमारे कोर्स में टाइपिंग का जो है वो आप समझ लें कि एक एकदा से मॉड्यूल शामिल है जो कि आपकी हेल्प करेगा इस गोल को अचीव करने में ठीक है तो मैंने जाती तौर पे चार पांच टेस्ट दिए हुए हैं गवर्नमेंट जॉब्स के उनमें से एक मुझे अच्छी तरह से याद है कि भावलपुर कोर्स के अंदर हमारा एक था इसी तरह की जॉब तो वहां पे हमारा एक टेस्ट हुआ था तो वहां पे पहले एक टेस्ट हुआ की का तो उस टेस्ट में जो है जरा आसान वर्ड थे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है टाइपिंग ट्यूटर जो एक सॉफ्टवेयर है वहाँ उसके ऊपर जो है हमारा टाइपिंग का टेस्ट लिया गया था अच्छा उसके बाद जब हमारा वो रिटर्न टेस्ट भी पास हो गया और ये वाला टेस्ट भी पास हो गया टाइपिंग वाला जो बेसिक था उसके बाद कोर्स अदालतों के अंदर जो है वो फिर हमारा दोबारा से टेस्ट हुआ और वहां पे फिर जो बड़े बड़े वर्ड्स थे जो हमने कभी भी नहीं देखे तो वो हमारे सामने आ रहे थे तो काफी ज्यादा हमारी स्पीड जो कम हो रही थी तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे क्योंकि तीन माह का हमारे पास है वक्त तो हम क्या करेंगे आ, आ इनको आ इस वक्त को जो है बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ बातें आ, बाकी मजीद मैम ने आपको बता दिया है कि किस तरह से जो है वो हम कोर्स को लेके चलेंगे बेसिक्स ऑफिस के बारे में बता दिया आपको टाइपिंग के बारे में बता दिया और बेसिक जो आपके पास आ, आ, हमारे पास है ग्राफिक्स डिजाइनिंग वो भी इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे अच्छा अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं अगर हमारे पास टाइम बचता है ठीक है तो फिर उन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे जैसे आजकल जो हमारे पास ए का जो भी एक रेवोल्यूशन आ रहा है उसको किस तरह से हो रही है चीज़ें वो सारे हम करने की कोशिश करेंगे टाइम हुआ तो बेसिक्स ऑफ वीडियो एडिटिंग जो है वो भी करने की हम कोशिश करेंगे आ, बाकी जो है वो क्लासेस का स्केजूल वगैरह मैम इंशाल्लाह आपसे डिस्कस कर लेंगी फी का आई थिंक आपको पता है वो भी आप मैम से डिस्कस कर लेंगे अब हमारे पास जस्ट एट मिनट्स बाकी हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अपना माइक जो है वो ऑफ करें और अपना क्वेश्चन जो है वो आप कर कर सकते हैं माइक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पुट करें कोर्स से रिलेटेड यहाँ पे इसमें हमारे पास जो भी कंटेंट पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो काइंडली पुट करें You are muted। हाँ जी स्टूडेंट्स किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अच्छा कुछ स्टूडेंट चाहते होते हैं कि डायरेक्ट हमें कोई ऑनलाइन वर्क सिखाया जाए तो जब आपको बेसिक चीजें नहीं आती होंगी तो आप ऑनलाइन डायरेक्ट कैसे कर सकते हो जब आपको टाइपिंग नहीं आती तो आप कंटेंट कैसे राइट कर सकते हो तो इसीलिए आपको ये बेसिक कोर्स जो है इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि नेक्स्ट लेवल पे जब हम ऑनलाइन आपको स्किल्स सिखाएं लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग कंटेंट मार्केटिंग यूट्यूब चैनल एस सी ओ यूट्यूब की जितनी भी एस सी ओ है वो सारी डिटेल वीडियो क्रिएट करना कैसे करनी है ये सारी डिटेल जो है नेक्स्ट लेवल का जो कोर्स होगा उसमें सिखाएंगे उससे पहले बेसिक्स आपको आनी चाहिए फर्स्ट स्टेप जो है हमारा बेसिक्स है तो इसमें हम जो चीजें हैं वो डीपली और कुछ एडवांस चीजें आई हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में वो तो कुछ एडवांस चीजें आई हैं जो कि प्रीवियस जो थे उसमें नहीं थी तो इसलिए ये कोर्स जो है वो करवाना लाजमी है नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप के लिए तो पहले आप आप ये चीजें सीखेंगे फिर ही ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जा सकते हैं अच्छा मैं इसमें कुछ मजीद ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि हमने कुछ इस तरह से स्कैड किया है कि रोजाना की या जब भी आपकी क्लास होती है तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है इनशाला वो आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे शेयर कर दी जाएगी ताकि अगर आप चीजों को रिपीट करना चाह रहे हैं तो आप इजीली जो है उनको रिपीट कर सकते हैं चीज़ों को ठीक है और आ, कोई असाइनमेंट्स वगैरह जो है आ, अगर वो आपको असाइन की जाती हैं तो उनके लिए आप उन वीडियोस से जो है वो हेल्प ले पाएंगे हां ये असाइनमेंट्स सेंड की जाएंगी ताकि इनकी प्रैक्टिस हो और ये चीजें अच्छे से सीख सकें आई थिंक अभी भी हमारे पास छः मिनट बाकी हैं अगर आप में से कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो kindly पुट करें जी बिलाल कोई क्वेश्चन है आपका हाँ जी मुंतहा आपका कोई क्वेश्चन है अच्छा जी चैट्स में और बस देख लेते हैं फिज़िकल क्लासेस का क्या स्केचुल है फ़िज़िकल क्लासेस हमारे पास वीक में थ्री डेज हो रही तो उनका जो टाइमिंग है हमारे पास वो थ्री टू आनवर्ड है यहाँ पे टेल वालों में ये क्लासेस जो हैं इनशाला कंडक्ट होंगे कोई और क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं अच्छा जी हाँ जी यहाँ पे है कि मैम जी ग्राफिक्स डिजाइनिंग भी सिखाई जाएगी हाँ जी बिल्कुल जी, इन्शाला. इन्शाला, आप इसमें तकरीबन क्या उसमें चीजें आ सकती हैं जैसे आप कोई सीवी डिजाइन करना चाहती हैं आप कोई पोस्टर बनाना चाहते हैं कोई पोस्ट बनाना फ्लैक्स या मतलब हर तरह की डिजाइनिंग जो है वो आप इसमें कर सकते हैं और वो जो टूल हम यूज करेंगे वो वैसे बाय करें तो तकरीबन काफी कॉस्टली आता है छः सात का आता है तो जो स्टूडेंट इस कोर्स का हिस्सा होगा उसको ये वाला टूल फ्री दिया जाएगा जो स्टूडेंट इस कोर्स में एडमिशन लेगा जो हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा होगा उसे ये वाला जो टूल है वो फ्री दिया जाएगा वो इजीली अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकता है अपने लिए भी कर सकता है और ये स्किल्स जो है वो दूसरों के लिए भी ऑनलाइन स्किल्स भी प्रोवाइड कर सकता है हाँ जी एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑनलाइन भी क्लासेस देंगे आप सब हाँ जी मैं सपोर्टिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर मैम के साथ मौजूद रहूँगा तो जहाँ पे भी आ, जो है वो आ, मेरी जरूरत पड़ी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ कोई और क्वेश्चन है किसी का मशीन में हनाउस की बहुत ग्रीन है

ग्रुप में मैसेज कर दें या मुझे पर्सनली मैसेज कर दें तो जो एडमिशन लेना चाह रहा है ताकि हमें कंफर्म हो और हमारी क्लास जो है ये रेगुलर क्लास हम इसको स्टार्ट कर सकें तो ऑफर्स हमारी जो है वो ध्यान में रखिएगा एक तो आपको फ्री टूल्स जो तो है चलो प्रोवाइड किए जाएंगे और फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक टू एडवांस हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा ये कोर्स जो है वो रियली really जो है वो फ्रूटफुल साबित हो सके सबके लिए और इसकी एक खास आउटपुट जो हम चाह रहे हैं स्टूडेंट्स में एक जनरेट करना वो चीज जो है वो आ, हमारे पास ताकि आ सके हाँ जी क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है आ, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि स्टूडेंट में ये बेसिक स्किल्स भी नहीं है एडवांस तो दूर की बात है ये स्किल्स भी स्टूडेंट के पास नहीं है स्टूडेंट को कंप्यूटर ऑन करना ही नहीं आता

आ, हमारे पास कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट आ जाते हैं वो सारी चीज़ों को इंशाल्लाह एक एक करके जो है वो हम प्रोफेशनल वे में कवर करने की कोशिश करेंगे तो हमारी दो मेजर जो आ, कोशिश रहेगी वो यही होगा कि आप अच्छे से आ, जो है वो टाइपिंग सीख लें प्लस जो है वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट का बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल सीख सकें विद प्रोफेशनल असाइनमेंट्स और आ, जितने भी आपके साथ जो है वो दूसरी चीजें जो कवर की जाएंगी हाँ जी और हर सेशन में आपको एक नई छोटी सी स्किल जो है वो सिखाई जाएगी सर जी आउटर है वो भी करना चाहती है बट हाँ जी वो ऑनलाइन आप लोग कर सकते हैं कोई भी स्टूडेंट जो है वो कहीं से भी है ऑनलाइन का मकसद यही है कि बच्चे जो है वो कहीं से भी अपने घर पे विदीज जो है वो हमें ज्वाइन कर सकें और फायदा जो है वो उठा सकें जी ठीक है स्टूडेंट्स हमारे पास मेरा ख्याल है कि टाइम खत्म हो रहा है किसी भी वक्त हमारी ये मीटिंग जो है वो एंड हो जाएगी तो जूम का सेशन जो हमारे पास चल रहा है ये फोर्टी मिनट का होता है तो जस्ट वन मिनट है हमारे पास तो मेरा ख्याल है कि फिर अगली बार इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप सबके साथ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज ओके मैं ओके मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ अल्लाह हाफिज थैंक यू सर एंड मैम था आपको पता है आपने स्टूडेंट